अस्सलामुअलैकुम। और आज मैं सुबह 6 बजे वीडियो बनाते हुए आप लोग से एक मासूमाना सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर कैसे पता चल जाता है एक्ने को कि कोई ईद आने वाली है या कोई फेस्टिवल आने वाला है, मतलब कैसे? पूरा रमज़ान में इतनी खुश थी कि चलो मेरी स्किन ज़रा बेहतर हो गई है और कोई एक्ने नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही ईद का टाइम आने लगा फौरन 2-3 दिन के अंदर ये कारनामा हुआ कि 1-2-3, और उसके बाद जब मैं आज सुबह उठी हूँ तो ये देख रही हूँ कि यहाँ पर मेरे इतने सारे एक्ने आ गई है, क्योंकि उनको इस मुझसे ज़्यादा खुशी थी कि ईद आने वाली है। खैर, इस एक्ने को पता नहीं है कि मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ और मैंने फ़ौरन इसका इलाज करना शुरू कर दिया है, और रात को तो मैं एक डायमंड जेल लगा रही हूँ और उसकी वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं पिछली वीडियोस में। और दिन में मैं इस तरह की एक्ने के लिए एक्ने स्ट्रेस टोनर यूज़ करती हूँ न्यूट्रोजेना का, क्योंकि इसके अंदर है 2% सैलिसिलिक एसिड जो कि एक्ने को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। मैं इसके 3 से 4 ड्रॉप लेके अपने हाथ पे मसलती हूँ और उसके बाद अपने पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, स्पेशली उस जगह पे लगाती हूँ जहाँ पे मेरी एक्ने है। ये ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये सीबम को कंट्रोल करती है और इससे थोड़ी सी ड्राइनेस और इरीटेशन होती है जिनकी सेंसिटिव स्किन है। तो ड्राई स्किन वाले तो ये बिल्कुल यूज़ ना करें, और सेंसिटिव स्किन वाले को थोड़ी सी इरीटेशन होगी, आप 1 से 3 टाइम तक यूज़ कर सकते हैं पर डे। मैं इसको सिर्फ 1 टाइम यूज़ करती हूँ सुबह में, उसके बाद मैं लाजमी तौर पर सनब्लॉक लगाती हूँ कि इसके अंदर है AHA जो कि स्किन को पील भी करता है। और अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैंने कितनी एक्ने की बातें कर ली हैं और मैं इस चक्कर में कितनी बार अपने चेहरे को भी हाथ लगा रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए वरना इससे एक्ने स्प्रेड होती है। तो बहुत हो गई बुराइयाँ एक्ने की। अब आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।